23 में हो चुकी थी। सेंट जॉन्स कॉलेज की स्थापना 1852 में हो चुकी थी और यह कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध रहे जो कि 1887 में स्थापित हुआ और कालांतर में जब 1927 में ये विश्वविद्यालय बना तो इन प्राचीनतम कॉलेजों को भी आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। भाई और बहनों, इस एनसीआर में मैं सोचता हूं नजर जहां भी दौड़ाई जाए, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाइए, आप जामिया विश्वविद्यालय में जाइए, आप नेहरू विश्वविद्यालय में जाइए, आप चांदनी चौक के किसी भी कूचे में जाइए, अगर विश्वविद्यालयों के हजारों प्राध्यापक अगर आप उनसे पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हर तीन में से या हर दो में से एक डिग्रीधारी आगरा विश्वविद्यालय का स्नातक। आप दिल्ली के हजारों डॉक्टरों में से जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड मेडिसिन के क्षेत्रों में और सर्जरी के क्षेत्रों में काम करते हैं, डॉक्टर मिश्रा जो एम्स के बहुत बड़े सर्जन यहां बैठे हुए हैं, ये हमारे आगरा विश्वविद्यालय के स्नातक और पर स्नातक। दिल्ली के अस्पतालों को डॉक्टर हमने दिए, दिल्ली को हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने दिए, दिल्ली को हजारों प्राध्यापक हमने दिए और दिल्ली को हमने और देश को बड़े बड़े पत्रकार भी दिए और बड़े बड़े कवि दिए जो आज यहां पर मंच पर आसीन है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह विश्वविद्यालय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके गर्भ में से 11 विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ और वो विश्वविद्यालय न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दूर दूर तक फैले हुए थे। कुछ नाम मैं बताना चाहूंगा कि 1946 में सागर विश्वविद्यालय, 47 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय, 1966 में कानपुर विश्वविद्यालय, 1973 में गढ़वाल और कुमायूं विश्वविद्यालय, 1975 में अवध और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, 1975 में ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और 1983 में दयालबाग डीन यूनिवर्सिटी, ये 11 विश्वविद्यालय को जन्म जिस विश्वविद्यालय ने दिया उसकी एलुमनाई आज अपने भाई आगरा के बेटे यशस्वी सांसद श्री राज बब्बर का सम्मान कर रही है।